जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए लक्ष्मी जी चार बहन भाई, दरिद्रता उसको कहते ज्येष्ठा देवी, फिर लक्ष्मी, फिर दाता, फिर विधाता, ऐसे लक्ष्मी चार बहन भाई। लक्ष्मी का विवाह और दरिद्रता का विवाह एक साथ हुआ, इनका दुसा मुनि के साथ, उनका विष्णु जी के साथ विवाह हो गया, चले गए। लक्ष्मी को लेकर नारायण स्वर्ग की ओर, वैकुंठ की ओर चले, और दुसा मुनि दरिद्रता को लेकर चले। जैसे ही अपने आश्रम में प्रवेश करने लगे तो दरवाजे पर ही दरिद्रता देवी को, अंदर यज्ञ हो रहा था, पूजन हो रही थी, उसकी सुगंध उसको प्राप्त हो गई। प्राप्त हुई तो वो भागी, एक मिनट ना रुकी और दौड़ कर गई और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। दरिद्रता देवी जब पीपल के पेड़ के नीचे दरिद्रता बैठ गई, दुसा मुनि ने कहा चलती क्यों नहीं हो अंदर, मैं नहीं जा सकती, पहले यज्ञ बंद करवाओ, पूजन बंद। दरिद्रता कहती है मैं वहां रहती हूं जहां पूजन नहीं होती, मैं वहां रहती हूं जहां दिया नहीं जलाया जाता। दरिद्रता कहती है मैं वहां रहती हूं जहां पर पूजन पाठ अनुष्ठान यज्ञ पूजन कुछ ना हो, वहां ये दरिद्रता रहती है, बंद करवा। दुसा मुनि बोले ये तो कभी बंद नहीं होगा, तो कह मैं जाऊंगी नहीं, पीपल के पेड़ के नीचे बैठी। दुसा मुनि के मन में आ गया, बताओ मेरी पत्नी मेरे घर में नहीं रहो, पीपल के नीचे रहे तो अच्छा लगेगा। दुसा मुनि गए दुर्वासा बाबा के पास पूछने के लिए। इतने में लक्ष्मी जी नारायण से बोली, प्रभु मेरी बहन से मिले बहुत दिन हो गए, चलो जरा मिलकर आए। भगवान गए तो लक्ष्मी जी मिठाई का डब्बा ले, ले ए ज्येष्ठा दीदी तेरे लिए कुछ लाई हूं। ज्येष्ठा ने जो डब्बा खोला तो मिठाई का था। क्रोध आ गया दरिद्रता को, हरी लक्ष्मी तुम मेरी बहन होकर तुझे ये नहीं मालूम कि मुझे क्या प्रिय और क्या प्रिय? तुझे मालूम है ना कि मुझे खट्टा और तीखा पसंद है, और तू लेकर मीठा आ रही है, फेंक दिया मिठाई का डब्बा, मेरे लिए खट्टा और तीखा लेकर आना था। लक्ष्मी जी बोली जी जी अब तेरी शादी हो गई, मैं समझी कि तब तो मीठा खाएगी, अब क्या मालूम था कि अभी भी खट्टा और तीखा खाएगी, फेंक दी। महाराज ये दोनों बहन का विवाह एक साथ हुआ है, इसलिए आज भी दोनों बहन प्रतिदिन घूमने के लिए एक साथ निकलती है। और हमारा शिव महापुराण का चरित्र, विष्णु पुराण का चरित्र, स्कंद पुराण का चरित्र कथा कहती है कि दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश ना करे, इसलिए दरवाजे पर नींबू और मिर्ची को टांगा जाता है, जिससे दरिद्रता देवी बाहर की बाहर खाकर चली जाती है, और मिठाई का डब्बा अंदर रखा जाता है जिससे लक्ष्मी अंदर प्रवेश कर जाती है। मिठाई घर के अंदर और दरिद्रता के लिए नींबू मिर्ची बाहर। ये बात प्रवेश ना चाहिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये अंदर नहीं आना चाहिए, दरिद्रता बाहर रहे, बाहर। भगवान विष्णु कहते हैं दरिद्रता, आज शनिवार का दिन है जिस दिन तुमने हमारा लक्ष्मी के साथ दर्शन किया है इस पीपल के पेड़ के नीचे, जो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाता है, पूजन करता है, उसको लक्ष्मी प्राप्त हुई। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सारे वार हम पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी के साथ विराजमान होंगे। दरिद्रता बोली वाह नारायण वाह, मेरे दरवाजे पर आए और कहते हो कि मैं लक्ष्मी के साथ विराजमान होऊंगा। नारायण आप भले सात दिन में निवास करो, मना नहीं है, पर एक दिन ये पीपल के वृक्ष में मेरा वासा होगा, और वो रविवार का दिन होगा। रविवार के दिन जो पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा, खाली हाथ आएगा, उसके घर में ये दरिद्रता प्रवेश कर जाएगी। भगवान विष्णु ने कहा मान लो कोई जल लेकर आया, फूल लेकर आया, कोई सामान लेकर आया, तो दरिद्रता कहती अगर कोई वस्तु लेकर आया तो दरिद्रता उसके द्वार नहीं जाएगी। पर कोई खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे आया
तो ये दरिद्रता जाएगी। आज भी नियम है महाराज, पीपल का वृक्ष अगर दीवालों पर लग गया, कहीं लग गया, नहीं उखड़ रहा, बार बार उखाड़ा, फिर लग जाता, फिर उखाड़ो, फिर लग जाता, तो रविवार के दिन एक नींबू को काटकर मिर्ची के साथ में उस पेड़ के नीचे रख दो और रविवार के दिन फिर उसको उखाड़ दो, कहीं ले जाकर लगवा दो, तब वो वृक्ष फिर वापिस नहीं लगता। आज भी नियम है। और अगर आप वैसे से रोज उखाड़ोगे तो वो दो चार आठ पंद्रह दिन में, बीस दिन में, एक महीना, चार महीना, छह महीना वापिस लग, वापिस वहीं विराजमान। पर नींबू कटा हुआ अगर रख दिया और मिर्ची रख दी और उसके बाद उसको उखाड़ा और कहीं ले जाकर लगा दिया आपने, फिर वो नहीं, दरिद्रता विराजमान हुई। भगवान विष्णु लक्ष्मी से कहते हैं, लक्ष्मी ये पीपल का वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे भगवान शिव का ही एक कपिल अवतार, पिपलेश्वर अवतार, भगवान शिव का एक स्वरूप जो कि स्वयं दधीचि ऋषि की धर्मपत्नी सुवार्च के गर्भ से भगवान का एक आनंदमय ज्ञान मुद्रा का स्वरूप उत्पन्न होगा, जिसका नाम पिपलाद होगा, वो यही पीपल के वृक्ष के नीचे निवास करेगा। इसकी जड़, तना, पत्ते, ये सब पुण्य भागी होंगे, पुण्य भागी। एक सरल विषय में ध्यान देना, फिर निवेदन करूं। कई माताएं कहती है, गुरुजी हमने सफेद आंकड़े की जड़ बांधी और मान लो संतान हुई, और कई ऐसी हैं जिन्होंने बांधी और तो नहीं हुई है, तो उसके लिए भी ध्यान रखिएगा। 18 साल हो जाएं, 17 साल हो जाएं, 10 साल हो जाएं, 12 साल हो जाएं और घर में बच्चा नहीं है, संतान नहीं है, तो प्रयास करना सफेद आंकड़े की जड़ को लेना, तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार शिवलिंग पे से घुमाना, रजस्वला धर्म के सातवें दिन कमर पर बांध लेना, और उसी दिन से एक पीपल का पत्ता मंगवाना, शंकर भगवान पर चढ़वाना, और पीपल के पत्ते को गौ माता के दूध में उसको उकलवा लो, ठीक है, उकलवाकर ठंडा करवाकर पत्ते को बाहर ठंडा करने में डाल देना, दूध जब ठंडा हो जाए हथेली पर उस गिलास को रखना और भगवान शिव का तुमरुका जी का नाम लेकर उसको पीना चालू कर देना। लगभग लगभग 8 दिन 15 दिन उस दूध का पान कर फिर विश्राम करें, महाराज संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, संतान अवश्य प्राप्त होगा। पीपल के वृक्ष में स्वयं मेरे भगवान शिव आनंद वास निवास करते हैं, बाबा भोलेनाथ सुतः निवास कर रहे। केवल एक पीपल के वृक्ष में कितना सुंदर लिखा पद्म पुराण में कि 52,000 ब्राह्मण का एक साथ निवास पीपल के वृक्ष में होता है, एक साथ 52,000 ब्राह्मण का एक साथ निवास पीपल के वृक्ष में है। और महाराज वट वृक्ष में भगवान ब्रह्मा का तो निवास है ही, पर वट वृक्ष में योगनियों का निवास भी है, जैसे नीम के वृक्ष में भी योगनियों का निवास होता है, वट वृक्ष में भी। ये दो पेड़ जो ऐसे होते हैं, नीम का पेड़ और बड़ का पेड़, ये कहीं पर भी लगे हो, इसके पास में से आप जब निकल कर जाएंगे तो आपको थोड़ा सा मन में हल्का सा भय सा लगेगा। ओम नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अब पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुख से अच्छे उपाय के बारे में जानिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य करें। इसी तरह बताए गए शिव महापुराण कथा के अंतर्गत उपायों के जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महादेव आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। इसी के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। हर हर महादेव। घर घर महादेव।